हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया पब्लिस्टर ब्लॉगर टेम्पलेट कस्टमाइजेशन के ऊपर, जिसमें फूटर क्रेडिट लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। कमेंट में मुझे पूछे हैं कि फूटर क्रेडिट को कैसे निकालें। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं फूटर क्रेडिट। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप निकाल सकते हो, तो लोगों को वो वीडियो से हेल्प नहीं मिल रही है इस टेम्पलेट में फूटर क्रेडिट रिमूव करने के लिए। इस वीडियो को देखिए। आप पब्लिस्टर टेम्पलेट यूज करते हैं या कोई भी अन्य टेम्पलेट यूज करते हैं, तो आप आसानी से उस फूटर क्रेडिट को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप रिमूव कर लेते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे यहाँ पे कंफर्म हो जाए सभी लोग यहाँ पे पब्लिस्टर टेम्पलेट से फूटर क्रेडिट रिमूव कर लिए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ब्लॉगिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर हूँ और देखिए, ये मैंने वीडियो बनाया था ब्लॉगर पर, फुल कस्टमाइजेशन बताया है पब्लिस्टर टेम्पलेट का। और इसमें दोस्तों, अगर आप देखिए फूटर क्रेडिट रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी साइट प्रोफेशनल नहीं दिखेगी, अच्छी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कैसे यहाँ पे फूटर क्रेडिट हम रिमूव कर दें पब्लिस्टर टेम्पलेट का। यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ब्लॉगर डैशबोर्ड में आना होगा। और आप अगर इस वीडियो को देखे नहीं अभी तक, फुल कस्टमाइजेशन बताया है मैंने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इसको देख लीजिए और अपने टेम्पलेट को अच्छे से कस्टमाइज कर लीजिए। एडसेंस फ्रेंडली टेम्पलेट है, ठीक है। तो आपको ब्लॉगर डैशबोर्ड में आ जाना है, जहाँ जिसका आप चेंज करना चाहते हैं फूटर क्रेडिट। तो अभी देखिए, ये जो साइट है पब्लिस्टर टेम्पलेट है, यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, देख सकते हैं क्रिएटेड बाई ये टेम्पलेट, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ये फूटर क्रेडिट है, कॉपीराइट क्रेडिट है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं रिमूव, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको थीम में जाना है, देख सकते हैं ये थीम है। थीम में जाने के बाद एक चीज़ ध्यान दे, अगर आपका यहाँ पे न्यू वर्जन में डैशबोर्ड ओपन हो रहा है न्यू वर्जन में, तो यहाँ से ट्राई द न्यू ब्लॉगर या ट्राई टू ओल्ड ब्लॉगर ऐसे करके आएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका न्यू वर्जन में होगा तो ओल्ड में हो जाएगा, ओल्ड में है तो न्यू में हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, फिलहाल ये ओल्ड वर्जन में है, तो चलिए हम इसको पहले न्यू वर्जन में कर लेते हैं। यहाँ पे ट्राई न्यू ब्लॉगर पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी वेट करेंगे। अब देखिए, ये न्यू वर्जन में ओपन हो चुका है और थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए थ्री डॉट है, उसके बाद आप बैकअप जरूर ले लीजिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जब फूटर क्रेडिट रिमूव कर रहे हैं तो बैकअप जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद आपको एडिट HTML पे क्लिक कर देना है। एडिट HTML पर जब आप क्लिक करेंगे तो वेट करेंगे। अब आपको क्या देखना है इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा है क्रिएटेड बाय, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पहले एक बार कोड के बीच में कहीं भी एक बार क्लिक कर देना है और कीबोर्ड से कंट्रोल F दबाना है और यहाँ पर आपको लिखना है क्रिएटेड बाय। देखिए, क्रिएटेड बाय लिखने के बाद इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए नीचे की तरफ आ गया क्रिएटेड बाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रिएटेड बाई आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ क्रिएटेड के पहले, जस्ट क्रिएटेड सी जो लिखा है उसके पहले दो बार आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। दो बार एंटर प्रेस करने के बाद फिर ऊपर आ जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये कोड, ठीक है। इस कोड को आप अभी मैं बता देता हूँ आप कहाँ पाएंगे। पहले चलिए इसको हम फिक्स कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, कोड को हम कॉपी कर लिए। कोड को कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। देखिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और हमारा कोड जो है, ये टोटल कोड हमारा था जो मैंने अभी पेस्ट किया है, देख सकते हैं ये हमारा कोड है, इसको हमने पेस्ट किया। और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ रेड में आ रहा है, यहाँ पे देखिए पी है, यहाँ पे रेड में आ रहा है। इसलिए रेड में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्लोजिंग अलग है। देखिए, डी आई वी से स्टार्टिंग हुआ है तो इसका क्लोजिंग भी डी आई वी से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी को रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं पी को रिमूव करता हूँ और सिंपली यहाँ पे डी आई वी आपको लिख देना है। देखिए, डी आई वी लिखते ही आपकी प्रॉब्लम ये फिक्स हो गई। अब आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, इसको सेव कर देना है, अपने टेम्पलेट को सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद आपको क्या करना है, वेट करेंगे पहले सेव हो जाए। और दोस्तों, इस टेम्पलेट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉरी टेम्पलेट का लिंक नहीं, जो कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है
उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। और इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, ब्लॉगर टेम्पलेट से फूटर क्रेडिट कैसे रिमूव करें। सो आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ गाइड भी किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा कोड है, ये पूरा कोड है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड एबव कोड पे क्लिक करके इस कोड को पूरा डाउनलोड कर लेंगे। और ध्यान देंगे यहाँ पे जो हमारा URL है ब्लॉगिंग स्किल का है, bloggingskill.com का है, तो आप वहाँ से उसको रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है, अपना वहाँ पे URL लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे हम चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, अब रिफ्रेश करते हैं और देख लेते हैं कि ये चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, अब नीचे की तरफ आएंगे आप तो देख सकते हैं कॉपीराइट हमारा द हिंदी बायोग्राफी वाला पूरा आ चुका है। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई दिक्कत है तो सिंपली भाई इसको आप फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे पोस्ट मैंने लिखा है, और वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा ये काम है, बस इतना करके आप बैक हो जाइए, आपका यहाँ पे फूटर क्रेडिट आपका हो जाएगा, कॉपीराइट क्रेडिट आपका हो जाएगा, आप सिंपली ये कर सकते हैं। और दोस्तों ब्लॉगिंग से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, तो जाइए इन सभी वीडियोज़ को देखिए और अपना प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करके। धन्यवाद।